हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले यूनिट प्रोसेस रिलेटेड टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो नॉर्मल वाटर ट्रीटमेंट के यूनिट प्रोसेस हमने पढ़ लिए थे, जो कि आपका राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अपन सिलेबस पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, RSPCB का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, इन दोनों का सिलेबस जो है लगभग सेम है। और आप दोस्तों पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सेवरल यूनिट प्रोसेस एंड ऑपरेशन दैट वर्क टुगेदर टू रिमूव पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेट फ्रॉम सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर इट इज डिस्चार्ज इन टू द इन्वायरमेंट और रिटर्न टू द वाटर बॉडीज। ये आर कॉमन यूनिट प्रोसेस रिलेटेड टू द वेस्ट वाटर। तो जो वेस्ट वाटर हमें बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ से जो हमारे पास वेस्ट वाटर जनरेट होता है, उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के अलग अलग तरीके हैं। उनसे उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, उसमें से जो स्लज होता है, जो कचरा निकलता है, स्लज, उसे बाहर निकाल लेते हैं। स्लज के बाद इसमें आप बोल सकते हैं कि जो स्लज रिमूवल के बाद और सब तरह से शुद्ध होने के बाद जो पानी बचता है, उसे वापस से हम कहाँ छोड़ देते हैं, एनवायरनमेंट में। कहाँ छोड़ देते हैं, एनवायरनमेंट में या किसी वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑब्वियस सी बात है, लार्ज डेब्री सच एज स्टिक्स, लीव, प्लास्टिक इज रिमूव्ड, स्क्रीन बार्स, रेक्स, दिस स्टेप्स प्रिवेंट डैमेज टू द डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट एंड एंश्योर्स इफिशियंट ट्रीटमेंट। तो डाउनस्ट्रीम में जो इक्विपमेंट लगे हैं अपने, भले ही वो बोल सकते हैं आपका सेडिमेंटेशन टैंक हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं, उस टाइप के पार्टिकल हम अलग अलग स्क्रीन, डिफरेंट टाइप की स्क्रीन्स जो है वो लगाकर हम इसमें से उसको स्टॉप कर लेते हैं और रोक लेते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। वेस्ट वाटर फ्लोज इनटू लार्ज सेटलिंग टैंक्स अलोविंग सस्पेंडेड सॉलिड्स टू सेटल डाउन। ड्यू टू ग्रेविटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन रिमूव्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सॉलिड एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो दोस्तों होता क्या है, ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है जिसके अंदर हम इन्फ्लुएंस, जो रो वाटर है वो यहाँ से हम डालेंगे, और इस वाटर की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा धीरे होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 नीचे जमने लग जाएंगे। नीचे जमने के बाद उनको हम नीचे की साइड से जो एक बोल सकते हैं कि स्लज के ट्रीटमेंट के लिए जो सेडिमेंट्स हमारे नीचे बच गए हैं, उसको हम अलग निकाल लेते हैं, और जो हमारा प्योर वाटर है उसको हम ऊपर की साइड से इसमें कलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तो इस टाइप से एक प्राइमरी सेटलमेंट का प्रोसेस होता है। किसके अंदर होता है, प्राइमरी सेटलिंग बेसिन के अंदर ये प्राइमरी सेटलमेंट का प्रोसेस होता है। जो बड़े बड़े पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें फ्लो वेलोसिटी को जो है हम बहुत कम रखते हैं। इसके बाद हम जाते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। एक्टिवेट स्लज प्रोसेस, वेस्ट वाटर इज मिक्स्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्टिवेट स्लज इन एरेशन टैंक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्टिंग इट इनटू बायोमास एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं, इसको एरेशन टैंक के अंदर जो है, एरेशन टैंक के अंदर हम इसको डालते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे कि हमें हमारा जो ये स्लज है वो बायोमास या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर्स एंड रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंटेनर्स, बायो फिल्म कैरियर आर यूज टू सपोर्ट माइक्रोबायल ग्रोथ प्रोवाइडिंग सरफेस एरिया फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसके लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है जिसका नाम है ट्रिकलिंग फिल्टर। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिकलिंग फिल्टर किसके लिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टेक्टर्स, बायोफिल्म कैरियर आर यूज टू सपोर्ट माइक्रोबायल ग्रोथ प्रोवाइडिंग सर्फेस एरिया फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो ऊपर एक बायोलॉजिकल जो लेयर है हम वो प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो स्लज आ रहा है वो यहीं का यहीं रुक जाएगा और उसके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें कैद हो जाएंगे या ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेटलमेंट। आफ्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट द वाटर इज अलाउड टू सेटल वंस मोर, अलोविंग बायोलॉजिकल फ्लोक्स टू सेटल आउट, द रिमेनिंग क्लियर इफ्लुएंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेटल्ड सॉलिड्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस टाइप का हमारा एक टैंक होता है जिसमें स्लज कंसेंट्रेटर, कलेक्टर, इन्फ्लुएंट, एफ्लुएंट है ना, कलेक्टर ब्रिजेस होते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको धीरे 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 मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पर सेडिमेंट्री जो सेडिमेंटेशन होगा उससे हम लोग जो बायोलॉजिकल बोल सकते हैं आप, बायोलॉजिकल जो आपके पास मासेस जो थे, बायोमास जो बना, उसको वापस से आप सेटल डाउन करके उसे बाहर एज ए स्लज की फॉर्म में निकाल लेते हो। उसके बाद हमें टर्शरी ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं जिसके अंदर हमारा फिल्ट्रेशन आता है। फिल्ट्रेशन आपको पता है, प्राय सैंड, स्लो सैंड फिल्टर,
रैपिड सैंड फिल्टर, एंथ्रेसाइट और अदर मीडिया फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव रिमेनिंग सॉलिड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पार्टिकुलेट मैटर। तो फिल्ट्रेशन सैंड के थ्रू होता है। एंथ्रेसाइट ये क्या है? कोयले का प्रकार है। क्या है ना? कोयले का प्रकार है, ठीक है। और अदर टाइप के मीडिया फिल्टर्स हैं जिनसे जो सॉलिड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हटा लिया जाता है। केमिकल परसेप्शन, केमिकल लाइक एलुम एलम आयरन सॉल्ट्स एडेड टू प्रिसिपिटेट पोरस एंड हैवी मेटल्स मेकिंग देम ईजियर टू रिमूव। तो एलम या जो फिटकरी का हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, जिससे क्या होंगे कि उसके कोगुलेशन फ्लोकुशनेशन हो जाएगा और सारा का सारा जो सेटल डाउन हो जाएगा पार्टिकल। न्यूट्रिएंट्स रिमूवल, एडिशन प्रोसेस लाइक बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स रिमूवल आर कैन रिड्यूस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंसेंट्रेशन टू मीट डिस्चार्ज। न्यूट्रिएंट रिमूवल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम इसके अंदर से हटा देते हैं ताकि जो अपना वाटर है वो डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स को मिल सके। ये सबका सब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में, है ना। ये अभी एक बेसिक है, एक ओवरव्यू है। आगे जाके आप एक एक, जैसे डिसइंफेक्शन है इसके ऊपर आपको 2 PPT मिलेगी, है ना। एरेशन है उसके ऊपर आपको 1 PPT मिलेगी। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन पे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो ये अभी एक बेसिक जानकारी है, एक ओवरव्यू है। इसके बाद हम डिटेल में इन सबको पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी काम करूँगा। क्लोरीन बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन डिसमेशन में क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीन इज एडेड टू किल पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म, ऑफन डीक्लोरीनेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव रेजिड्यूअल क्लोरीन बिफोर डिस्चार्ज। तो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वाटर सोर्स होता है उसके अंदर हम क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं माइक्रोनिज्म, जो खतरनाक माइक्रोनिज्म्स होते हैं जिनसे बीमारियाँ फैलती है, उन सबको ये किल करता है। लेकिन इसको वापस जब हम छोड़ने वाले होते हैं तो उससे पहले हम एक और प्रोसेस करना पड़ता है जिसे हम डीक्लोरीनेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन खुद भी जो है एक तरह से ह्यूमन की हेल्थ के लिए खतरनाक है। उसके बाद हम कई जगह पे आपने यूवी डिसइंफेक्शन या यूवी वाला आरओ देखा होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर विदाउट द एडिशन ऑफ केमिकल्स। तो आप अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको वो टुकड़ों में तोड़ देती है और वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ओजोनेशन इज अप्लाइड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वायरस एंड ऑर्गेनिक कंटेमिनेट्स। जो भी ऑर्गेनिक कंटेमिनेट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उन सब के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ओजोनेशन। क्या बोलते हैं? ओजोनेशन। स्लज का ट्रीटमेंट, तो दोस्तों आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्लज ट्रीटमेंट की बात करें, थिकनिंग। अब स्लज जो अपने पास जो कचरा बच गया, स्लज इज थिकनिंग टू रिड्यूस द वॉल्यूम एंड इंक्रीज सॉलिड कंटेंट, है ना। स्लज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थिकन करते, थिकने उसके मतलब मोटा करते हैं, इससे इसका वॉल्यूम जो है ना इसका कम हो जाता है और सॉलिड कंटेंट इसके अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन, स्लज अंडरगोस एन एरोबिक डाइजेशन टू स्टेबलाइज इट्स प्रोड्यूस बायोगैस। कई बार हम जो स्लज होता है उसको हम एनारोबिक डाइजेशन या वायु की अनुपस्थिति में जलाना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब आप उसे जलाते हैं तो उससे क्या होता है कि बायोगैसेस हमें मिलती है, जो हमारे मेथेन बायोगैसेस कौन कौन सी होती है आपकी CH4 मेथेन, इस टाइप की जो गैसेस होती है ना C2H5, तो ये गैसेस हमें मिलती है। डी वॉटरिंग, द स्लज इज मैकेनिकली डी वॉटर टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट एंड प्रिपेयर इट फॉर डिस्पोजल और रिड्यूस। तो जो स्लज आपके पास मिला है, जो कचरा आपके पास मिला है, उसको आप क्या करते हैं, उसके अंदर का सारा पानी जो है वो निचोड़ लेते हैं और जो सूखा बच गया उसे वापस आप डिस्पोजल के लिए भेज देते हैं। और जो सूखा बच गया उसका क्या करना है, इंसर्नेशन और लैंड एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, या तो उसे जला देना है या उसे लैंडफिल, जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जहाँ पर हमारा जो बोल सकते हैं कि वेस्ट है उसे फेंका जाता है, उस जगह पर हम इसको अप्लाई करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्लज इट कैन बी इंसर्ट, जैसे जलाया जा सकता है, जमीन में फेंका जा सकता है और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इस टाइप से हमारा जो वेस्ट मिला है हम उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। एफ्लुएंट डिस्चार्ज, अब जो वाटर ट्रीट हो गया है नाउ मीटिंग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड डिस्चार्ज टू रिसीविंग वाटर बॉडीज रिक्वायर्ड फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पज यूज फॉर इरीगेशन। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, इस टाइप का पानी जो है ये पीने योग्य तो नहीं होता, लेकिन इसको खेती बाड़ी में यूज़ किया जा सकता है, वाटर बॉडीज़ में इसको छोड़ा जा सकता है ना। और इसको बोल सकते हैं कि जो भी अपने बर्तन धोना नहाना इस टाइप के जो पर्पज होते हैं, पीने के अलावा इससे हम सारे के सारे यूजेस कर सकते हैं, ठीक है।
एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब जब अगर मान लीजिए हाईली कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर है अपना, जो उसका कंटेमिनेशन लेटर बहुत ज़्यादा है, तो हमें एडवांस प्रोसेस लाइक रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोकोगुलेशन और एडवांस ऑक्सीडेशन में भी रिक्वायर्ड टू फर्दर ट्रीट द एफ्लुएंट। जो एफ्लुएंट जो हमारा पास पानी प्राप्त हुआ उसको हम आगे और ट्रीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अपने पास जो है उसमें कंटेमिनेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हुआ, तो हम उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे अलग अलग प्रोसेस के थ्रू यूज़ करेंगे। सारे प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। समरी की बात करें दोस्तों, समरी पर पहुंच गए हैं और आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। द सिलेक्शन एंड डाइजेशन ऑफ दीज यूनिट प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गोल्स। जो भी आपका ट्रीटमेंट गोल है आप उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना है, थोड़ा सा उसके अंदर मटेरियल रखना है, थोड़ा सा डिजोल्व सॉल्यूट उसके अंदर रखना है, तो आप रख सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ऑफन एम्प्लॉय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोसेस टू इंश्योर कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। तो इसके अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, कंप्लायंस होते हैं, ताकि हम पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट के साथ कोप अप करके आगे काम कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आप प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ख़त्म करें। मैं ट्राई करूंगा कि रोज़ एक वीडियो आपके पास आ जाए, और आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे, ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, तो हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।